और इसके लिए जो है कि हमें कांकरेज बुल लेने के लिए जाना है। तो फाइनली जो है कि दोस्तों अभी घर पे पहुंचने वाले हैं। भाई ये तो खतरनाक बंदा है भाई। नाटक नहीं, नाटक नहीं, भेड़ ही भेड़ है। हेलो बोलो, हेलो जिनोद ले 1500 और देसी भी। बहुत सारे दोस्तों की एक कमेंट थी हमारी ब्लॉग में, एक छोटा बच्चा एक दो दिन पहले दिख गया था ब्लॉग पिकिंग करके, जो है कि एक घंटा हो गया है और अभी तक जो है कि ये बच्चे दूध पी रहे हैं। एक यहाँ पे पी रहा है, एक सामने पी रहा है, एक उधर पोपट मामा की गाय है उसका पी रहा है। ये अगर ऐसे ही बच्चे दूध पीते रहे फिर बाद में क्या होता है कि ज़्यादा टाइम दूध पीने के बाद दूध खत्म हो जाता है आंचल में, फिर जो है कि उनके दांत उन बच्चों को लगते हैं, तो इसकी वजह से क्या दिक्कत होती है, आंचल को जख्म हो जाती है और जख्म होने के बाद मिल्किंग को प्रॉब्लम आता है। इससे पहले भी मैंने यही बात बोली थी लेकिन फिर इस बीच में इसमें कॉमेंट आ गया कि जगदीश भाई इतने इतने बच्चों को दांत नहीं होते, फिर मैंने दांत दिखाई दे। अभी मैं आपको दांत नहीं दिखाऊंगा लेकिन इसको दांत होते हैं तो आप समझ जाना। तो अभी बच्चे भी बांधने पड़ेंगे, मिल्किंग वगैरह सब हो गया है खत्म। हेलो दोस्तों, कैसे हो, हम सब कैसा है, आई होप आप सब मौज में हो। मैं एकदम मौज में हूँ। लालो अबे ये देखो, तेरी जात का इतना बुरा बुरा पीटूंगा तेरे को। फाइनली जो है कि दोस्तों आज हम जा रहे हैं भेड़ लेने के लिए। मैंने जो है कि पिछले व्लॉग में आप सबको पूछा था कि यार आप कमेंट करके हमें बता देना, मैं जो है कि एक ताकि एक भेड़ लेके आऊँ, क्योंकि पीछे हम एक भेड़ लेके आए थे लेकिन उसको कौन उठा के ले गया पता नहीं। लेकिन इस टाइम जो है कि हमारे पास एक रखवाला है जो कि हमारी एक भी बकरी को कुछ नहीं होने देंगे, और वो है हमारा लालू। ये देखो उसकी हरकत देखो, क्योंकि पिछले टाइम जो है कि वैसा कुछ था नहीं, अगर कोई कुत्ता भी आता है तो उठा के लेके जा सकता है और टेंडो भी आ सकता है, लेकिन अभी इस बार जो है कि लालू है तो टेंशन है नहीं। उसकी वजह से फाइनली जो है कि हम एक छोटी सी भेड़ लेने के लिए जा रहे हैं। यहाँ से जो है कि 10-15 किलोमीटर आगे एक मंडी लगती है, वहाँ पर जो है कि सभी किसान भाई जो है कि अपने अपने जानवर लेके आते हैं। पहले जो है कि वहाँ पे सबसे बड़ा बैल की मंडी लगती थी, वहाँ पे सब बैल सेल होने के लिए आते थे, लेकिन अब जो है कि ट्रैक्टर निकल गए तो अभी बैल वगैरह जो है कि वहाँ पे सेल होने के लिए नहीं आते हैं। अभी सबसे ज़्यादा आता है वहाँ पे बकरी और भेड़। बकरियाँ भी बहुत सारी नस्ल की आती है और भेड़ भी बहुत सारी नस्ल की आते हैं। बकरियाँ वहाँ से गुजरात से भी आती है और भेड़ भी आती है गुजरात से। तो सुरेश भाई को मैंने बोला कि यार एक लेके आते हैं, सुरेश भाई बोले ठीक है चलो। फिर आप सबको पूछा, आप सब बोले ठीक है भाई लेके आओ एक छोटी सी भेड़। तो फाइनली जो है कि हम भेड़ लेने के लिए आज जा रहे हैं, और इसके लिए जो है कि हमें कांकरेज बुल लेने के लिए जाना है। अभी आज तो हम उधर जा रहे हैं भेड़ लेने के लिए, तो कल दोनों में से वो बोले ठीक है हम, अभी पूछना पड़ता है ना, अगर मेरे को अगर इसमें अगर कोई बुल या गाय अगर देनी है, भले कुछ दिनों के लिए देनी है, फिर भी जो है कि मुझे आपा को पूछना पड़ता है, सुरेश भाई को पूछना पड़ता है। वैसे भी मैंने जिनको कॉल किया है वो बोले मैं पूछ के बताता हूँ। ऐसे समझो कि लगभग कल तो फाइनल आ जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है 100%। और आप सब ने जो कमेंट उसमें भी एकदम ज़बरदस्त वाली की है कि जगदीश भाई आप जो है कांकरेज बुल लेके आओ और मोर की ब्रीडिंग कांकरेज बुल से करवाओ, तो मैंने बोला ठीक है, क्योंकि मैं आपका ही वेट कर रहा था, क्योंकि बाद में आप जो है कि बोलते हो कि जगदीश भाई यार ये नहीं करवाना था ये करवाना था, तो मैंने बोला इस बार पूछ लेते हैं। तो इस बार आप सब ने बोला कि भाई कांकरेज बुल लेके आओ और उससे उसकी ब्रीडिंग करवाओ, मैंने बोला ठीक है। चलो अभी फटाफट से चलते हैं, पहले भेड़ लेके आते हैं, कांकरेज बुल का जो है कि कल रखेंगे, कल जाके कांकरेज बुल लेके आएंगे। और हमारी जो टैणी है ये भी बच्चा देने वाली है, लेकिन अभी तक जो है कि इसने बच्चा नहीं दिया है, ये भी बहुत जल्दी बच्चा दे देंगे, अभी दो चार दिन में तो दे ही देंगे, अभी इससे ज़्यादा तो नहीं लेंगे 100%। और यहाँ पे है अपनी गुड्डी। चलो तुम दोनों के लिए एक नया दोस्त आ रहा है, ओके चलो। वैसे वो भेड़ वाले भाई जो है वो हमें एक देने वाले हैं, लेकिन उनकी भेड़ को जब दो बच्चे होगी तब देंगे। अब मैंने बोला उनके भेड़ कब दो बच्चे देंगे और कब वो देंगे, तो सुरेश भाई को बोला कि चल अब तुम खरीद के लेके आएंगे। वैसे भी ये मंडी में जो है कि छोटे छोटे बच्चे बहुत सारे सेल होने के लिए आते हैं, तो एक छोटा सा बच्चा लेके आएंगे। हमारे यहाँ आने के बाद किसका भी बच्चा लेके आओ वो आराम से बड़ा हो जाता है। तो बहुत बार जो है कि बहुत सारे वहाँ से लोग लेके जाते हैं लेकिन घर पे जाने के बाद उसको दूध पिलाते हैं, कम ज़्यादा हो जाता है, मर जाता है, लेकिन हमारा दूध पिलाने का तरीका जो है वो लिमिट में होता है। तो उसकी वजह से यहाँ पे हम जो हमारी ब्लैक ब्यूटी लेके आए थे, यहाँ के आजू बाजू के भी जितने भी मेहमान हमारे यहाँ आते थे वो बोलते थे भाई ये नहीं बचेंगे बुल्ले अगर आप बोतल से दूध पिलाते हैं, लेकिन हमारी ब्लैक ब्यूटी जो है कि बच गई। तो वैसे हमारे एक दूध पिलाने का तरीका जो है वो लिमिट में होता है। तो यहाँ आने के बाद कोई भी अगर छोटा बच्चा लाते हैं तो बच ही जाता है। आपको भी पता है हम हमारी जो गुड्डी लेके आए थे तो वो सिर्फ एक दिन की थी और लेके आए थे हम,
और आने के बाद अभी देखो कितनी बड़ी हो गई। बहुत सारे दोस्तों की एक कमेंट थी हमारे ब्लॉग में, एक छोटा बच्चा एक दो दिन पहले दिख गया था ब्लॉग में, तो बहुत सारे दोस्तों की कमेंट थी कि जगदीश भाई वो बच्चा किसका है। तो यहाँ पे जो है कि हमारा आर्यन जो है उसको झूला झूला रहा है। फाइनली जो है कि दोस्तों ये बच्चा जो है वो हरी भाई का है। हरी भाई को 3 बच्चे हैं, ये जो है कि आर्यन है वो छोटा बच्चा और 3 बड़ी, और वो सामने वाला जो है कि मैंने पहले से बोला है कि स्वयं जो है वो मेरा है, समझ गया। चलो अब दूध साथ में लेना है। हाँ तो चलो फटाफट, चलो अभी दूध भी साथ में लेके चलते हैं, आगे डेयरी में दूध डालेंगे, फिर वहाँ से सीधा चलते हैं मंडी में। घोड़ा जो है उसको नहीं लेके जाएंगे, घोड़ा यहीं पे रहने देंगे, अपने लाल परी लेके जाएंगे ताकि एक काम में दोनों काम हो जाए। बच्चे जितने खुले थे उनको बांध दिया है, अभी सुरेश भाई ने कैन भी बांध दिया है, अभी फटाफट से निकलते हैं, भेड़ का बच्चा लेके आते हैं। अरे जल्दी उतरना, टाइम हो रहा है, वो मंडी चली जाएंगी, मंडी में किसान भाई जो लेके आए हैं वो चले जाएंगे, मंडी तो वहीं पे रहेंगी, मंडी वहीं पे रहेंगी, तो मंडी में जो भेड़ और बकरे लेके आएंगे वो चले जाएंगे। चलो अभी जो है कि यहाँ पे दूध वगैरह डाल दिया है, अभी यहाँ से चलना है हमें 8 किलोमीटर आगे। दोस्तों ये पोपट मामा ने परेशान किया है, अभी जो है कि पोपट मामा को हमने शाम को बोला था कि आपको हमारे साथ आना है, बोले ठीक है, और सुबह सुबह जो है कि वो गाड़ी भरने के लिए निकल गए, तो अभी बोल रहे हैं कि पहले वहाँ पे आओ, फिर गाड़ी जो है कि यहाँ पे लगा के फिर तीनों साथ में चलते हैं, तो अभी ये बोल रहा है वो ऐसा करेंगे, तो ये बोल रहा है कि अभी पहले पोपट मामा के पास चलते हैं, उनकी गाड़ी भरनी है वो भर के फिर चलते हैं मंडी में। तो फिलहाल जो है कि हम कैश नहीं लेके आए थे, तो यहाँ पेट्रोल पंप पे जो है कि ऑनलाइन कर दिया है, तो अभी इन अंकल के पास से जो है कि हम कैश ले रहे हैं, क्योंकि अभी देना तो पड़ेगा ना वहाँ पे। चलो और ये देखो यहाँ पे जो है कि ये भर रहे हैं गाड़ी, बैंगन बैंगन भर रहे, ये देखो गाड़ी में भर रहा है बैंगन। अभी जो है कि दोस्तों आगे एक खेत है प्याज का, उसमें प्याज की पत्ती भरनी है, जो अधेर, तो गाड़ी जो है कि वहाँ पे छोड़ के फिर चलते हैं। चलो तो फिलहाल जो है कि इस खेत में भी भरनी है प्याज, तो सुरेश भाई गाड़ी जो है कि यहाँ पे लगा देंगे सामने, और यहाँ से हमारे जो भका भाई है वो पत्ती भरेंगे, मैं और पोपट मामा और सुरेश भाई तीनों चलते हैं। फाइनली जो है कि हम मंडी में पहुंच गए हैं, जो है कि दोस्तों मंडी में हम पहुंच गए हैं, तो ये देख सकते हैं ये गवान है, गवान। भेड़ ही भेड़ है, ए आगे आ जा सुरेश भाई। ये जो है कि हमें भेड़ का बच्चा देने वाला है, लेकिन अभी कब उसका भेड़ 2 बच्चा देंगी, यहाँ पे सेल करने के लिए लेके आता है लेकिन हमें नहीं देता है, ये कब बच्चा देने वाली है? हाँ 10-15 दिन में अभी देंगे ना। चलो अभी है, लेकिन बहुत बड़े बड़े हैं दोस्तों, ये इतने बड़े बड़े नहीं चाहिए, मैं छोटा चाहिए। इधर सब जो है कि बकरी आई है, वहाँ पूरी मंडी में आटा मार लिया, लेकिन कहीं हमें भेड़ नहीं मिल रहा है, भेड़ के बच्चे उधर मिलेंगे, इधर बकरे आते हैं। चलो चलो आगे, खत्म इधर नहीं, चलो आगे इधर से चलो मोकले में से। और इसके अंदर जो है कि भाई सब बकरे ही भरे हैं, और ये लग्जरी है, और लग्जरी को ऐसा बना दिया है भाई, 3 मंजिली बनाया है ऊपर, 1-2-3, इसमें सब बकरा भर के यहाँ से दूर दूर ट्रांसफर होता है। अरे चलो यार, ये क्या देख रहे हो यार, अरे देसी बकरा है, काठियावाड़ी नस्ल का बकरा, मामा को काठियावाड़ी नस्ल की बकरियाँ बहुत पसंद है, ये देसी, ये काठियावाड़ी नहीं, ये काठियावाड़ी है, ये तो यहाँ की लोकल नस्ल है महाराष्ट्र की, जैसे ये गुजरात की काठियावाड़ी है वैसे यहाँ महाराष्ट्र की लोकल नस्ल है। चलो आगे चलो, हमें भेड़ नहीं मिलेगी आज। क्या बाबा बर है ना, उसका मुंह क्यों टेढ़ा है, लेकिन मुंह टेढ़ा है, पूरे मंडी में घूमे दोस्तों बकरी लेने की। हाँ दोस्तों पूरी मंडी में जो है कि सिर्फ 2 ही बच्चे आए थे, उसमें से एक
इतना एकदम छोटा बच्चा है भाई, लेकिन उसका वो 5,000 रुपया बोल रहे जिसकी प्राइस है 1,000। और दूसरा एक बच्चा है लेकिन उसका मुंह टेढ़ा है, वो पसंद नहीं आया। बोकड़ा है मजाक है, हेलो बोलो हेलो जुनत भाई 1500 देसी भी ये देख कितना बड़ा है। हेलो चलो चलो दोस्तों, तो बहुत घूमे लेकिन हमें जो है कि फाइनली जो है कि भेड़ नहीं मिली, और जो भेड़ थी उनका रेट बहुत ज़्यादा था। तो अभी सुरेश भाई बोल रहा है कि अपन कहीं भेड़ वालों के पास से लेंगे, वहाँ पे सस्ती मिल जाएंगी। मंडी में अभी बहुत रेट तगड़ा चल रहा है। जो है कि भेड़ तो लिया नहीं है, लेकिन अपने अभी थोड़ा नाश्ता वगैरह करके फिर चलते हैं घर पे। मेरे को तो नाश्ता नहीं करना था, लेकिन ये है ना ये। चलो अभी फटाफट से खाना खाओ, गाय छोड़ना है सुरेश भाई। पोपट मामा अपनी गाड़ी भरने की बोलेरो। फिलहाल जो है कि मामा की गाड़ी जो है वो पत्ती की भर गई है और मामा जा रहे हैं। सुरेश भाई जो है कि अभी कैन लेने के लिए गया है डेयरी पे, जैसे वो आता है फिर निकलते हैं घर पे। गाय छोड़ना है, बहुत लेट हो गए हैं, भेड़ तो मिली नहीं। भेड़ जो है कि सिर्फ पूरे मंडी में 2 ही भेड़ थी, और उसमें से एक भेड़ हमें पसंद आई लेकिन उसका मुँह टेढ़ा था, और दूसरी एक भेड़ थी उसका कलर अच्छा नहीं था, बराबर था नहीं, और रेट भी बहुत ज़्यादा बोल रहे थे, उस रेट की थी भी नहीं वो। तो फिर वो दोस्त बोले एक काम करो 10-15 दिन रुक जाओ, फिर मैं मेरे झुंड में कोई अगर बच्चे देंगे तो उसका बच्चा दे दूंगा आपको। मैंने बोला ठीक है, तो चलो। मेंढू नो लाया ना? मेंढू नो लाया, मेंढू थोड़ा दिमाग हुआ, नीचे बैठ जा यार। तू तेरे को कहाँ जाना है यार। तो फाइनली जो है कि तुम्हारा जो दोस्त थे वो नहीं ला पाए हम। चलो दोस्तों, अभी इतना लेट हो गए हैं कि क्या बताए, अभी छोटे छोटे बच्चे तो छोड़ दिए हैं, गाय का टाइम हो गया है। गाय देखो कितनी शोर कर रही। अबे सबको लेके जाएंगे, रुक जाओ, अबे रुक जाओ, लेके जाएंगे। हाँ अभी जो है कि दोस्तों इनको लेके जाना है खेतों में, तो ये बहुत शोर करेंगे। चलो अभी जो है कि इनको एक राउंड लगा के आते हैं। ये बछड़िया कहाँ जा रही है भाई? हाँ बूटी 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 बुट्टी। कल जो है कि दोस्तों अभी गाय लेके हम निकल गए हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम ये हो गया है कि हरी भाई और महेश भाई दोनों जो है कि गए हैं ट्रैक्टर भरने के लिए, लेकिन ट्रैक्टर जो है कि वहाँ पे खेत में जो है कि आगे से उछल रहा है। तो हरी भाई बोल रहे हैं मुझे डर लग रहा है भाई, आगे जो है कि थोड़ा चढ़ा है, अगर कहीं का ट्रैक्टर पलटी हो गया तो। तो सुरेश भाई को बोल रहे हैं कि अब तू आ जा। तो सुरेश भाई को मैंने बोला एक काम कर, गाय जो है कि मुझे खेत में छोड़ दे, फिर बाद में तू चले जाना। तो बोले ठीक है। अभी निकल गए हैं हम खेतों में जाने के लिए, अभी गाय जो है उनको खेतों में छोड़ के फिर सुरेश भाई जाएंगे वहाँ पे। तो आज जो है कि हम लेके आ गए हैं दूसरे खेत में गाय, ये वाला जो है खेत है। ऐसे खेत तो हम रोज डेली बदलते हैं भाई। जबरदस्त वाला दोस्तों काम हो गया, और काम ये हुआ कि हरी भाई का कॉल आ गया था, ट्रैक्टर जो है वो रस्ते पे लग गया है, सुरेश भाई को मत भेजो। तो अभी सुरेश भाई जो है कि वापस आ रहा है। अभी जो है कि पूरे खेत में तो ऑलरेडी गन्ना थोड़ा बहुत पड़ा ही था, लेकिन यहाँ पे जो है कि कुछ खड़ा गन्ना है वो भी अभी गाय खा रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो है कि फिर भी किसान भाई कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है चलो खा गए तो खा गए, बात ख़त्म, कोई कुछ बोलेंगे नहीं। तो अभी भी वहाँ देशे तो ये डे के कहीं कैसे नहीं, बहुत यहाँ के जो किसान भाई है वो बहुत बढ़िया है, और कभी मना नहीं किया है उन्होंने। शेड़े रही है गाय खाए हैं, तो एक वेड़ा आई ना किसान भाई रही है, ये को कहीं बोले यहाँ पे गन्ना खा रहे हैं। यहाँ के किसान भाई कभी कुछ बोलते हैं नहीं, कुछ नहीं बोलते। हाँ, और बोलते भी अगर खाने के बाद अगर आके पूछते गन्ना कहाँ गया, तो हम ब्लॉग बता देते कि ये रहा ब्लॉग में, देख लो भाई गाय ने खा लिया। पछी ब्लॉग जो खेतर दो एट पास फॉर्म में आई जाए, सैतरी ना के हाल हाल वहां तो नहीं, अरे आओ आओ है ले रखे भाई हमारे। चलो दोस्तों अभी जो है कि इनको लेके चलते हैं घर पे, और सुरेश भाई आ रहा है अब। भागो वहां तो फिर से फाड़ दिया नेट, ओ देखो ये कितना फाड़ दिया है। और कल जो है कि दोस्तों एकदम जबरदस्त वाला बारिश का मौसम हो रखा था, लेकिन आज कुछ है नहीं, आज का वातावरण जो है कि एकदम जबरदस्त है, हल्के हल्के बादल है और ठंडी ठंडी आज अभी हवा चल रही है, दिन भर तो बहुत गर्मी थी। और यहाँ पे हो रही है लड़ाई,
सुबह से झगड़े कर रहे, लड़ाई कर रहे आज सुबह से। मैं क्या बोल रहा हूँ, कल का क्या प्लान है फिर? ये लाना है कांकरेज तेरे को जो है कि मेरे साथ चलना है। कांकरेज बोल जो है कि आ जाएगा कल। अरे वो क्या हो रहा है? ए कांकरेज का क्या करना है? अबे एक बूट कहाँ है तेरा? हेलो हेलो क्या बोल रहा है? आज तक मुझे नहीं समझ में आया, तो आपको क्या आएगा? सच में यार कल जाना है या नहीं बुल लेने के लिए? हाँ लेकिन मोर ने अभी तक तो हिट तो छोड़ दिया होगा। कल फाइनली जो है कि कांकरेज जो बुल है वो आ जाएगा कल के ब्लॉग में, आप देखना। आज का जो ब्लॉग है उसको करते हैं यहीं पे एंड। पेड़ लेने के लिए गए थे लेकिन पेड़ तो मिली नहीं। अगर फटाफट से जो है कि गाय वगैरह बांध देते हैं, मिल्किंग वगैरह ख़त्म करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ब्लॉग अगर पसंद आए तो ब्लॉग को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए।